जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, रोजाना की भांति आज फिर मैं आपको बताऊंगा आज का आपका राशिफल। उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे आज के पंचांग की और जानकारी करेंगे आज के महा उपाय की। तो समय नष्ट किए बगैर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग इस प्रकार है, अंग्रेजी तारीख 10 अगस्त, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है भाद्रपद का, तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, गुरुवार का शुभ दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है अतिगंड, करण है वाणिज्य। और व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो महिलाओं को समर्पित कजरी तीज का आज पर्व है। आज की तिथि में माँ पार्वती और भगवान महादेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सौभाग्य अटल बना रहे और आपके जीवन में इसी प्रकार से हरियाली छाई रहे। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब हम लोग कार्यक्रम में बात करेंगे आज के राशिफल की। तो राशिफल में के क्रम में सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। सामाजिक समारोह में मान सम्मान की प्राप्ति हो, कामकाज में यश प्राप्त हो, धन लक्ष्मी की कृपा आप पर बने, आज का दिन ऐसे लक्षण दिखाता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त करें, ऐसे लक्षण आपके लिए दिखते हैं। व्यापार एवं नौकरी में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न हो, ऐसे भी संयोग आपके लिए बनते हैं। काले कुत्ते को इमरती खिलाकर के आज दिन को आरंभ करना आपके हित में होगा। परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बारी मिथुन राशि की। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। उदर या मस्तक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। चिंता मुक्त रहने के लिए कुछ योग और प्राणायाम का सहारा आप अवश्य ले सकते हैं। और आज की तिथि में भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। आज बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, सोच समझ करके नपातुला बोलिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है काला। अब कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास न करें, जम करके मेहनत करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए फलित होगी और आपके लिए कल्याणकारी भी होगी। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय आपको नष्ट नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है भूरा। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति फैल सकती है, तो अपने गुस्से को आप नियंत्रित रखें। गले से संबंधित कोई रोग या कोई थ्रोट इन्फेक्शन आपको आज परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। परिवार का ध्यान दें। माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोग, अपने मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आज आप लोगों के प्रिय पात्र बन सकेंगे।
लापरवाही से कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों की गतिविधि पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तनाव लेने से बचना चाहिए और भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए आज कल्याणकारी होने वाली है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है खाकी। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिले, ऐसे संयोग आज बनते दिखाई देते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थियों को आज मनचाही सफलता न मिल पाए, कुछ उसमें कमी रह जाए, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। तो पहले से थोड़ा मेहनत ज्यादा करें और कुछ मार्क्स अगर कम आते हैं तो उससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। देवी काली की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी और उसके साथ साथ किसी गरीब व्यक्ति का आप अनादर और अपमान न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है गेरुआ। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिले तथा मित्रों और स्नेही जनों से लाभ हो, खर्च बढ़ेगा लेकिन समय जो है वो खुशनुमा बीतेगा। वृद्धों की सेवा करना आज आपके लिए बहुत उत्तम लाभ लेकर के आ सकता है, तो किसी घर के वृद्ध को या घर के आसपास किसी वृद्ध को कुछ फल, कुछ मिठाई या कुछ दान दक्षिणा भेंट स्वरूप आज आप अपनी तरफ से दे दें या उनसे खुद जाकर के पूछ लें, उनकी कोई ज़रूरत की चीज़, कोई दवा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो ला करके उनको खरीद के अपनी तरफ से आपको देना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है नारंगी। अब बारी है धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, उदास होने से बचना चाहिए, मेहनत करें तो आज आप आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करने का संयोग आज आपके लिए दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। परिवार के लोगों की तरफ से अगर कोई बात आपको कही जाए या कोई सुझाव आए तो उसको आप अनदेखा न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है केसरिया। अब बारी मकर राशि की। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आज आप तनाव मुक्त रह सकेंगे। जायदाद संबंधी यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसला अगर आप करने जा रहे हैं और जल्दीबाजी में और सिर्फ अपना निर्णय करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए अहितकारी साबित हो सकता है। ऐसा कोई भी निर्णय करें तो परिवार के सभी लोगों की राय लेकर के ही करना चाहिए। किसी सफेद वस्तु का दान करना, जैसे दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान किसी ब्राह्मण को करना आज के दिन को शुभ बनाएगा। क्रोध करने से आप बचिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है फिरोजी। अब बारी कुंभ राशि की। आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई सी प्रतीत होगी। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए काली वस्तु का दान करना आपके हित में होगा, तो खासतौर पर काला तिल और काली उड़द, इसका दान आप करें। किसी की निंदा न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है बैंगनी। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आज आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आप पूरा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको ज्यादा देर के लिए परेशान करे, ऐसे लक्षण, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। आज की दिनचर्या में आपकी सफलता आपके प्रयासों, आपकी कोशिशों पर निर्भर करेगी, तो अपनी मेहनत में कमी आप मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल वस्तु का दान करना, तो लाल वस्तु में सबसे प्रमुख आता है लाल वस्त्र, गुड़ और मसूर की दाल, जो खड़ी मसूर होती है लाल वाली, उसका दान करना आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। आपके लिए शुभ रंग बनता है 7 और शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है स्लेटी। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की और कार्यक्रम के आरंभ में हमने जानकारी की आज के पंचांग की। अब मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। रामचरितमानस की एक ऐसी लाइन, एक ऐसा दोहा जो आपका कल्याण कर सकता है। मित्रों, क्या होता है आजकल के समय में कि हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं, दूसरों की निंदा करने में बहुत रस मिलता है हम लोगों को। किसी को अगर हमें क्रिटिसाइज करने को मिल जाए तो आहा, बैठे बैठे पूरा दिन बिता देंगे उस व्यक्ति की बुराई करने में। ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप अपना पुण्य जो है वो गंवाते हैं, पुण्य का नाश होता है और पाप बढ़ता है।
तो इस प्रकार से निंदा की निवृत्ति करने के लिए ये जो हमारे अंदर आदत, ये जो स्वभाव ने जन्म ले लिया है, जो स्वभाव बन गया है हमारा लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों की बुराइयां करना, खाली लोगों में बुराइयां ढूंढते रहना, रामचरितमानस में उससे मुक्ति पाने के लिए भी एक दोहा दिया गया है। अगर इस दोहे का प्रयोग कोई व्यक्ति कुछ समय तक लगातार करे, कम से कम 45 दिन या 90 दिन तक लगातार 108 बार इसका जाप करे, तो आपका ये जो स्वभाव है, ये जो आदत है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपना पुण्य जो गंवा रहे हैं लोगों की बुराई करने में, वो पुण्य गंवाने से बच जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप पुण्य सजोएंगे तो आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हैं, आर्थिक संकट है और जीवन में इस तरीके के विघ्न और कठिनाइयां आती हैं। वो इस कारण से भी आती हैं कि आप अपने जरूरी कामों को छोड़ करके दूसरों की बुराई करने में समय बिता रहे हैं, निंदा का आप रस ले रहे हैं, निंदा सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो दूसरों की निंदा छोड़िए, ईश्वर का भजन करिए, ईश्वर में मन लगाइए और ये जो चौपाई है आपकी इस आदत से आपको पीछा छुटाने में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती है, आपको लाभ दिला सकती है। और एक बार पर निंदा की आदत चली गई तो आपके जीवन में जो पुण्य आपने किया है वो सब आपका है। अभी आप अपना पुण्य जो बैंक बैलेंस है वो दूसरों के लिए, दूसरों की निंदा करके लुटा रहे हैं। तो जान लीजिए कि ये दोहा कौन सा है। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। आप पुनः इसको सुन लीजिए, राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। इस दोहे का ध्यान करके नियमित रूप से 108 बार अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पर इसका जाप करता है कुछ समय तक, 45 दिन या 90 दिन तक, तो स्वयं आप अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में ये अंतर पाएंगे। चमत्कार होगा कि अगर कहीं कोई, कुछ लोग जिस सर्किल में आप बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, बुराई करते थे, उनका साथ भी आपको नहीं सुहाएगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब आपको जब जहां लोग किसी की बुराई करते हैं चार लोग, उस जगह से, उस सर्किल से ही आपको नफरत होने लगी है, आपको वहां पे घुटन महसूस होने लगेगी, ईश्वर में आपका ध्यान स्वतः ही जाएगा। तो इस चौपाई का ध्यान करिए और पर निंदा से बचिए तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। आप अपने में, अपने परिवार में, अपने काम में और प्रभु के चिंतन में अपने आप को लगाइए, आपका कल्याण अवश्य होगा। जीवन के आधे से ज्यादा दुख इससे ही समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि भगवान श्री सीताराम जी आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए, हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी मेरे YouTube चैनल वैभववन पर। जय जय श्री सीताराम। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।